प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 11 अक्टूबर 2021 सोमवार का दिन है, अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और षष्ठी तिथि है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और 26 डिग्री के हैं। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। दर्शकों, आज दोपहर 1 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, आज एक बड़ा इवेंट भी हो रहा है। शनि जो बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, आज वो 8:13 पर मार्गी भी हो जाएंगे और इसके साथ ही हम बहुत बड़ा एक परिवर्तन समाज में देखेंगे। जो न्यायिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, जिसमें आप देख रहे थे कि कुछ हद तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि लोगों के मन से कानून का डर निकल गया था, वो आप दोबारा से स्थापित होता हुआ देखेंगे। अराजकता के माहौल पर आपको अंकुश लगता हुआ नजर अवश्य आएगा। दर्शकों, यदि त्योहार की हम बात करें तो आज कई पर्व है। सरस्वती आवाहन भी आज है, स्कंद षष्ठी भी आज मनाई जाएगी, बिल्व निमंत्रण भी आज है, कल्प आरंभ भी आज से हो रहा है और अकाल बोधन भी आज ही है। राहुकाल की यदि हम बात करें तो आज प्रातः 7:51 और 29 सेकंड से 9:18 और 47 सेकंड तक राहुकाल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:36 तक रहेगा। दर्शकों, आज सोमवार है, इसीलिए हम रत्न धारण कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है। आप जो लोग भी मोती धारण करना चाहते हैं वो आज के दिन धारण कर सकते हैं। प्रातः 10 बजे से 10:15 के बीच में आप इसे धारण कर सकते हैं। दर्शकों, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा को हम आरंभ करते हैं। आज मैं ज्ञान गंगा में एक ऐसा ही प्रसंग ले रहा हूँ जो हमें अपने परिवार के अंदर एकता बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद भी अवश्य करता है। दर्शकों, मैं रामायण काल के उस प्रसंग को ले रहा हूँ जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। बात है केकई की। केकई दशरथ जी की प्रिय रानी थी और तीनों रानियों में श्रेष्ठ भी जरूर थी। यहां तक कि राजा दशरथ को भी एक बार उन्होंने युद्ध के अंदर उनके प्राणों की रक्षा करके उन्हें सकुशल अयोध्या लाने का कार्य भी केकई ने अवश्य किया था। ऐसे में केकई दशरथ जी की प्रिय रानी तो थी, लेकिन जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय पर वो मंथरा के बहकावे में आती है और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगती है, और उसके पश्चात क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। दर्शकों, केकई का ये जो प्रसंग रामायण में दर्ज किया गया है, ये हमें इस बात का संकेत देता है कि कभी भी जीवन के अंदर अपने परिवार के निर्णयों के अंदर कभी किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं करवाना चाहिए। यानी यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिवार के किसी मैटर पर आपको कोई राय दे रहा है तो उसे अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उससे कहीं आपके परिवार का अहित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति आपके घर से वो आत्मीयता नहीं रख सकता जो आप अपने घर से रखते हैं। ऐसे में किसी और का अपने घर के मैटर में कुछ इन्वॉल्वमेंट आप जब लेते हैं तो उसमें नुकसान हमेशा आपका ही होता है। और दूसरी बात ये कि व्यक्ति को हमेशा कान का पक्का होना चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी की बातों को सुन करके उसके अनुसार अपने विचारधारा बनाना ये कभी भी ठीक नहीं है। केकई ने भी यही गलती करी, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया और मंथरा के बहकावे में आकर के उसने ऐसा कृत्य कर डाला कि जो समाज के लिए ठीक नहीं था, उनके परिवार के लिए ठीक नहीं था, अयोध्या के लिए ठीक नहीं था, और उसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास के अंदर उन्हें ऐसी माता के रूप में स्थान मिला जो शायद ही कोई चाहेगा। दर्शकों, ये प्रसंग हमें इस बात का संदेश देता है कि जीवन के अंदर हमेशा जब आप परिवार की प्राथमिकता की बात करते हैं तब अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के आपको सोचना चाहिए, क्योंकि परिवार की एकता से बड़ा दूसरा कोई धन होता ही नहीं है। संसाधनों का धन कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन परिवार की एकता यदि बट गई तो फिर उसको दोबारा से बढ़ाया नहीं जा सकता।
परिवार की एकता को कैसे कायम किया जाए, अपने किस लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए, ये बात हमें इस प्रसंग से अवश्य समझने को मिलती है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बुध का नक्षत्र है और सोमवार का दिन है, इसीलिए आज भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ा करके उनकी पूजा करके आए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। आरंभ करते हैं आज के लग्न फल और राशिफल को, उससे पूर्व एक बार ग्रह स्थिति पर विचार करते हैं। आज प्रातः 6:21 पर सूर्योदय के समय पर कन्या लग्न बन रहा है। कन्या राशि के अंदर ही बुधदेव विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है और मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव है, चंद्रमा है और केतु है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं। शनिदेव 8:13 पर मार्गी हो रहे हैं और वृषभ राशि में राहु देव हैं। आज नक्षत्र से चंद्रमा का संबंध तीसरे का बन रहा है और उसी को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों को राशिफल और लग्न फल बता रहा हूँ। दर्शकों, मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। छठे भाव के अंदर बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपके मार्ग में बाधाएं अवश्य आएंगी। कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य बनेगा जिसकी वजह से आपको आपके मार्ग में बाधाएं महसूस अवश्य होंगी। मन भी आज आपका थोड़ा विचलित रहेगा क्योंकि चंद्रमा भी अभी नीच राशि के अंदर है और अष्टम में उसकी उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसको लेकर के संतुष्टि का भाव आज आपके अंदर नहीं है। आप अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं है, अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आज भोलेनाथ की पूजा अवश्य कीजिए, आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। माइंड में थॉट्स बहुत आएंगे, विचारों की अधिकता आपको अस्थिर भी करेगी, लेकिन पंचम भाव में बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने विचारों को नियंत्रित रखने में कामयाब भी अवश्य होंगे। बुद्धिमत्ता का प्रयोग आज आप अवश्य करेंगे, अकस्मात धन लाभ भी आज आपको अवश्य होगा, संतान को लेकर के कुछ शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी और आज आप अपने आप को उन कामों में बिल्कुल रखेंगे जो आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं और अपने आप को उन कामों से बिल्कुल अलग रखने में भी आप कामयाब होंगे जो काम आपका फालतू का आज समय खराब करवाएंगे, यानी आज के समय का सदुपयोग आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये आज का लग्न बता रहा है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक है। चतुर्थ भाव में बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको सुख सुविधा का कोई साधन अवश्य मिल सकता है। कुछ खरीदारी आप ऐसी अवश्य कर सकते हैं जो आपके घर के अंदर सुख सुविधा को बढ़ाने वाली है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति छठे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको आपको सावधानी से पूरा करना है क्योंकि आरंभ में आपको कुछ परेशानियां अवश्य महसूस होंगी। इसीलिए आज एक बात का ध्यान रखना है, जिस कार्य को भी आप करने जा रहे हैं उसको शालीनता के साथ करना है, एकाग्रता के साथ करना है, अपव्यय आपको धन का नहीं करना है और सुख सुविधा का साधन खरीदते समय अपनी सीमाओं का भी ध्यान आपको अवश्य रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी जरूरत से ज़्यादा बड़ी चीज़ खरीद लाएँ और जिसकी वजह से बाद में आपको कुछ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़े, इस चीज़ का आपको आज ध्यान अवश्य रखना। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा, दिमाग में बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं, संतान को लेकर के भी आज आपको कुछ शुभ सूचना मिल सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी आज बुध की उपस्थिति तीसरे भाव में होने के कारण से आज आप अपने टाइम को मैनेज करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी आज आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपना बहुत सारा समय व्यर्थ ही खराब कर दिया है, इस चीज का मलाल आज आपको अवश्य रहेगा। इसीलिए विचार तो आपके मन में अच्छे हैं, योजनाएं भी आपकी अच्छी हैं, लेकिन उनको मूर्त रूप देने के लिए आज आपको मैनेजमेंट का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, इसीलिए अपने आवश्यक कार्य को आज सबसे पहले कीजिए, यही आपके लिए शुभ भी है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, धन आगमन भी आज हो रहा है, परिवार के अंदर माहौल भी सुखद रहेगा, लेकिन आज आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आज आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति आपके कर्तव्य को निर्वहन करने की बन रही है, इसीलिए आज आप अपने ऊपर ध्यान न देकर के अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन आगमन तो सुगम बन ही रहा है और उसके साथ में
आपके जीवन में जो चली आ रही परेशानियां हैं उनका भी स्थायी समाधान आज आपको अवश्य मिलेगा। आज के लग्न के आधार पर यदि मैं बात करूं तो आपको आज का दिन अपने लिए न सोच करके अपने परिवार के लिए सोचने का बन रहा है, इसीलिए आज का दिन अपने परिवार को समर्पित कीजिए, आपको अच्छे परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर अच्छी रहेगी, आज आप बहुत सारी योजनाएं भी बनाएंगे, बुद्धि कौशल का परिचय देकर आज आप अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी अवश्य होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ओवर रिस्क आपको नहीं लेनी है, जितना काम आप कर सकते हैं सिर्फ उतना ही आपको लेना है, अनावश्यक काम का बोझ अपने ऊपर हावी आपको नहीं होने देना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है और आपको सारे अच्छे परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, धन आगमन भी हो रहा है, समस्याएं भी आपकी खत्म हो रही हैं, चीजों को आप व्यवस्थित करने में भी कामयाब हो रहे हैं, आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष का है, इसीलिए धन आगमन भी सुगम बना हुआ है, खर्च भी नियंत्रण में है, मन भी आपका प्रसन्न है, चीजों को लेकर के आप संतुष्ट भी हैं। तो आज अगर ये कहा जाए कि पूरा दिन आपके पक्ष का है और आज आपकी बल्ले बल्ले है तो ये गलत नहीं होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है, इसीलिए आज के दिन का आपको सदुपयोग अवश्य करना ही चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने में अभी वक्त जरूर लगेगा, लेकिन दिमाग के अंदर प्लानिंग ऐसी हो रही है कि आपसे सब्र भी नहीं हो रहा है, इसीलिए उतावलापन और जल्दबाजी आपके ऊपर यदि हावी है तो आप अपना नुकसान अवश्य करा बैठेंगे। इसीलिए मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए और वस्तु काल परिस्थिति को देखते हुए फिर निर्णय लीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है और इसी से आप अच्छा फायदा अपने लिए करवा भी पाएंगे और बुरे नकारात्मक परिणामों को अपने पास आने से रोक भी अवश्य पाएंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यय की अधिकता को बढ़ाने वाला है, रुका हुआ पैसा भी आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा, बल्कि कोई आदमी आपसे आज उधार मांग करके ले जाए और जो आप नहीं देना चाहते थे उसके बाद भी आपको उसको देना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप काम के अंदर व्यस्त भी रहेंगे, काम के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, बस एक चीज का ध्यान रखिए, आज मेहनत करके जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे अपने पास रोकना भी है, इस बात को ध्यान में रखिए, यानी अपनी कमाई को अपने पास रखिए, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे उस धन का प्रयोग भविष्य में आप अपने लिए बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि आज धन आगमन के साथ ही ऐसी स्थिति भी बन रही है कि कोई आपके पास आएगा और आपका धन आपसे मांग कर ले जाएगा, जिसे आप बहुत मजबूरी में ही ना कर पाएंगे। ऐसे में ये ध्यान रखिए कि आज आपको ना कहना सीखना ही है। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो रही है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि मन में अस्थिरता आपके जरूर देखने को मिल रही है, विचार बहुत अधिक आपके मन में आ रहे हैं जिसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है कि आप क्या करें और क्या ना करें। आज दिमाग को इधर उधर दौड़ाने की जगह आप सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि कौन से काम आपके लिए महत्वपूर्ण है और किन कामों को आज आपको करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मैनेजमेंट आज अच्छी तरह से करने में कामयाब रहे, अपने मन को कंट्रोल में रखने में कामयाब रहे, तो आज का दिन आपको कुछ बड़ा लाभ भी अवश्य दिलवाएगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन काम में कुछ लापरवाही मुझे दिख रही है, इसलिए आज जो भी कार्य आप करें उसको डबल चेक करके करें, ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही के कारण से आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान आपको देखने को मिले। लेकिन बुध की स्थिति ऐसी है जो आपको इस बात का संकेत दे रही है कि भाई यदि मेहनत कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखो कि मेहनत सही दिशा में भी हो रही है या नहीं हो रही है, यानी आज यदि आप व्यवस्थित तरीके से अपने काम को करेंगे तो आपको अपनी मेहनत के अपेक्षा के अनुरूप उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जरा सी भी लापरवाही यदि आज आपने रखी तो आपको फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए आज लापरवाही नहीं, जरा संभल के चलने का दिन है और जरा संभल के चलेंगे तो बहुत बड़े नुकसान को होने से भी आज आप अवश्य बचा लेंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए
आज का दिन अच्छा है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, बुद्धि कौशल भी आपका साथ दे रही है। तो यहाँ बात ऐसी बनती है कि जब बुद्धि भी साथ दे, आपकी मेहनत भी आपका साथ दे, तो फिर परिणाम तो अपेक्षा के अनुरूप आएंगे ही आएंगे। इसीलिए जो कार्य भी आज आप करने जा रहे हैं उसको पूरी दृढ़ता के साथ करिए। समय आज आपके पक्ष का है, इसीलिए परिणाम भी आपके पक्ष में होंगे और आज की गई मेहनत के परिणाम आपको बहुत लंबे समय तक मिले, ऐसी संभावना भी बन रही है। आज किसी ऐसी योजना को आप शुरू कर सकते हैं जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उन योजनाओं के भी पूरा होने का दिन आज अवश्य बनता है। इसीलिए आज का दिन पूरी कर्मठता के साथ अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, यही आपके लिए आज श्रेष्ठ भी है और यही आपको अच्छे फल भी अवश्य दिलाएगा। दर्शकों, आज के गोचर को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है और इसी के अनुसार आज आप अपना दिन व्यतीत होते हुए भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।